अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। इस वीडियो में हम देखेंगे वीएलसी मीडिया प्लेयर की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और उसके बेसिक यूजेज। जो पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो ये हैं: इंस्टॉलेशन, वीएलसी मीडिया प्लेयर को डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर सेट कैसे कर सकते हैं, इसमें ऑडियो ट्रैक्स कैसे हम चेंज कर सकते हैं, क्या होते हैं और उनको चेंज कैसे कर सकते हैं, सबटाइटल ट्रैक्स वो क्या होते हैं और उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, वीडियो एक्सपेक्ट रेशियो और क्रॉप साइज, उससे हम वीडियो का जो साइज है, व्यू साइज, वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, वीडियो जो प्ले हो रही है उसका प्ले बैक रेट, मीन के उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं, वीएलसी में प्ले लिस्ट क्या चीज है और उससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, और लास्टली अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट किसी सीन का लेना है, वीडियो चल रही है और किसी सीन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीएलसी को यूज करते हुए आप वो कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम वीएलसी को डाउनलोड कर लेंगे। वीएलसी डाउनलोड लिख के आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, उस पर क्लिक करें, वीडियो lan.org। यहां पे आपके सामने ये बटन आ रहा है डाउनलोड वीएलसी, इस पे क्लिक करूंगा। और जैसे कि हम लास्ट सॉफ्टवेयर के डाउनलोड प्रोसेस में भी कर चुके हैं, हम यहाँ पे क्लिक हियर, इफ योर डाउनलोड विल स्टार्ट इन फ्यू सेकेंड, इफ नॉट क्लिक हियर, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगी, अदरवाइज आप वहां पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये इसको डाउनलोड कर लेंगे। ओके, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं इस टैब को क्लोज कर दूंगा और इसकी डाउनलोडिंग का, जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट होती है फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे लिए ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे आके डाउनलोड्स पे, ये वीएलसी का इंस्टॉलर है, इस पे डबल क्लिक करूंगा और आपके सामने वो एडमिन अलर्ट आ जाएगा, उसको यस कर दें और यहाँ पे ये डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लैंग्वेज को प्लीज इंग्लिश रहने दें, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें, ये भी ये सिर्फ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट क्लिक करें। यहाँ पे अगर आप इंस्टॉलेशन पाथ चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर लें, अदरवाइज डिफॉल्ट ही रहने दें, नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। जैसे कि मैं आपको सीरीज में पहले भी एक दो दफा बता चुका हूं, मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपने सिर्फ उनका इंस्टॉलर डाउनलोड करना होता है, डबल क्लिक करके ओपन करना होता है और उसके बाद सिर्फ आप अगर यस यस ही करते रहें, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहें और इंस्टॉल और फिनिश पे क्लिक करते हैं तो जो वो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल हो जाता है। उसमें बहुत कम सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं कि उनमें आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज करनी पड़ती है जो ऑर्डिनरी से हटके होती है। यहाँ पे अगर ये चेकबॉक्स चलता रहने दूंगा तो वीएलसी स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज वीएलसी को मुझे मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऑन ही रहने दूंगा, चेकबॉक्स फिनिश, और ये आपके सामने जो वीएलसी है वो स्टार्ट हो गया। ओके, तो इसको अभी मैं क्लोज कर दूंगा और मैं एक डेमो वीडियो छोटी सी डाउनलोड कर दूंगा ताकि उसको हम देख सकें। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जी, मेरे पास अभी डेमो वीडियो कोई नहीं है तो मैं एक डेमो वीडियो छोटी सी डाउनलोड करके फिर आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने एक डेमो वीडियो डाउनलोड कर ली है, ये रही, इसको मैं पहले आपको वैसे ही चला के दिखा देता हूँ। ऑडियो वगैरह मैं म्यूट ही रखूंगा। तो ये एक सिंपल से मैंने डेमो वीडियो बना के, टोटल ये 29 सेकंड्स की है। तो अब तक हमने वीएलसी को इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे आते हैं, इसको चेक मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वीएलसी को डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर सेट करने का। तो उसके लिए जैसे कि मैं पहले भी डिफॉल्ट ऐप्स के मतलब बता चुका हूँ कि डिफॉल्ट ऐप्स क्या होती हैं और आप कैसे सेट कर सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड से फिर डिफॉल्ट ऐप्स में जाएंगे और वीएलसी को डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर एंड म्यूजिक प्लेयर सेट कर देंगे। बाकी अगर आप इसके मतलब ज्यादा जानना चाहें प्रॉपरली तो प्लीज आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, उसको देख के सीख सकते हैं। ये लास्टली जब मैं वो वीडियो एक्सप्लेन कर रहा था तो तब मैंने इसको सेट कर दिया था, मीन के हम यहाँ पे ऑल सेट है। तो इसको क्लोज कर देते हैं और उसको आप यहां से भी देख सकते हैं कि जब वो वीडियो के ऊपर ये वीएलसी का आइकॉन है, मतलब ये जो वीडियो है वीएलसी में ओपन होगी। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ,
तो ये वीएलसी में ओपन हो गया। तो हमारा ये पॉइंट भी कवर हो गया। ओके, नेक्स्ट ऑडियो ट्रैक। वापस वीडियो में आते हैं। कुछ वीडियोस इस तरह होती हैं जिनमें एक से ज्यादा ऑडियो ट्रैक्स अवेलेबल होते हैं, मीन वो इंग्लिश में भी उसकी आवाज अवेलेबल होती है, जापानीज, चाइनीज, जिस जिस ऑडियो ट्रैक जो जो उसमें अवेलेबल होता है वो उस आवाज के साथ प्ले की जा सकती है। तो हाँ, ऑडियो ट्रैक चेंज करने का तरीका का दो आपके पास तरीके हैं। आप या तो ये ऊपर जो टॉप बार है, मेन्यू बार, उसमें ऑडियो के टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे ऑडियो ट्रैक, अभी आप देख सकते हैं कि ये डिसेबल है क्योंकि इस वीडियो में कोई भी ऑडियो ट्रैक नहीं है। सिंपल मैंने एक डेमो वीडियो बना के सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पस के लिए ये बनाई है। तो इसमें जिन वीडियो में ऑडियो ट्रैक अवेलेबल होगा वहां पे ये अनेबल्ड होगा और आप जब इस पे होवर करेंगे तो इस तरह ये एक आपके पास नेक्स्ट सब मेन्यू आ जाएगी, उसमें जो जो ऑडियो ट्रैक्स अवेलेबल होंगे वो वहां पे शो हो रहे होंगे। तो ये तरीका है ऑडियो ट्रैक्स को चेंज करने का। उसके बाद कुछ वीडियोस होती हैं जिनकी साथ में सब टाइटल्स आ रहे होते हैं। सब टाइटल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो यहाँ पे बॉटम में आपके पास कैप्शंस, आप उनको कह लें सब टाइटल्स कह लें, तो वो उनको चेंज करने का या कंट्रोल करने का जो तरीका है वो ये है कि आप सब टाइटल्स पे क्लिक करें और यहाँ पे ये देखें सब ट्रैक यहाँ पे, क्योंकि ये जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक डेमो वीडियो है, इसमें ना कोई ऑडियो ट्रैक है और ना ही कोई सबटाइटल ट्रैक। तो जिस वीडियो में सबटाइटल ट्रैक अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पे सब ट्रैक में वो सिलेक्टेबल होगा। तो ये तरीका है ऑडियो ट्रैक और सबटाइटल ट्रैक को मैनेज करने का। आप या तो यहाँ पे टॉप बार पे क्लिक करके उसको मैनेज कर लें या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे भी आपके पास ऑडियो और सबटाइटल ट्रैक, ये बेसिकली सेम, ये जो मेन्यू ऑप्शन है ये सेम है जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम इन दोनों को भी चेक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो की एक्सपेक्ट रेशियो और क्रॉप साइज। बेसिकली कुछ वीडियोस होती हैं जैसे कि अगर अभी मैं इसको फुल स्क्रीन पे लेके जाता हूं तो आप देखें ये फुल स्क्रीन पे इसने कवर कर लिया, इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन थी वो उस तरह की वीडियो की बनाई गई। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड पे जो ब्लैक बॉर्डर टाइप है वो शो कर रहा है। तो अगर आप इसको विदाउट फुल स्क्रीन जाके कवर करना चाहते हैं तो आप इसकी एक्सपेक्ट रेशियो को कंट्रोल करते हुए या फिर इसके क्रॉप साइज को कंट्रोल करते हुए उसको मैनेज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को। ये बेसिकली हर एक वीडियो का क्योंकि डिफरेंट होता है तो कोई एक गोल्डन रूल ऑफ थंब नहीं है कि ये सेट करेंगे तो हर एक वीडियो पे चल जाएगा। एक्सपेक्ट रेशियो और क्रॉप साइज को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और वीडियो में यहाँ पे आपके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अदरवाइज जैसे कि मैंने कहा कि ये ऑप्शन एग्जैक्टली सेम है जो यहाँ पे टॉप बार में शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे भी आपके पास वही दोनों ऑप्शन है। और इनका जो कीबोर्ड पे शॉर्टकट की है वो A फॉर एक्सपेक्ट रेशियो, उसको कंट्रोल करने के लिए आप A को प्रेस कर सकते हैं, ओके, डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट है, और C फॉर क्रॉप साइज, उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास जो क्रॉप साइज है वो मैनेज हो जाएगा। मैं इस दोनों को भी डिफॉल्ट पे ले आता हूँ। तो अगर आपको ये किसी वीडियो में, बेसिकली कोई वीडियो जरा ज्यादा छोटी होगी सिर्फ स्क्रीन के इतने सेंटर वाले हिस्से में आ रही है तो आप इन दोनों को यूज करते हुए उसको एटलीस्ट थोड़ा व्यूएबल कर सकते हैं। ओके, जो ऑडियो ऑडियो ट्रैक है, ओके, उसको चेंज करने का जो तरीका है वो बी है, अभी क्योंकि कोई ऑडियो ट्रैक अवेलेबल नहीं है इस वजह से। और जो सब टाइटल ट्रैक है उसको चेंज करने का तरीका कार वी है, वी आप दबाते जाएंगे तो और जो सब टाइटल ट्रैक है वो चेंज होता जाएगा। ओके, इन इसको हम यहाँ पे चेक मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट, ये जरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वीएलसी में। बेसिकली आप कोई कोर्स देख रहे हैं या कोई भी मीन कैसा ट्यूटोरियल देख रहे हैं जिसकी आप चाहते हैं कि कोई अगर तो स्पीड जरा तेज है, इंस्ट्रक्टर की स्पीड थोड़ी तेज है, उसको थोड़ा स्लो करना चाहते हैं तो वो कैसे आप कर सकते हैं, या फिर अगर इंस्ट्रक्टर की स्पीड थोड़ी जरा स्लो है और उसको आप अपने लेवल पे जरा ज्यादा थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं।
उसका तरीका कार है, या तो आप यहाँ पे टॉप मेन्यू पे टूल्स पे क्लिक करें, सॉरी व्यू पे क्लिक करें, और यहां से स्टेटस बार इसको क्लिक कर दें। ओके, एक तरीका कार ये है। पहले यहां पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास नीचे 1.00 मल्टीप्लाई, ये स्पीड मल्टीप्लायर है कि करंट जो स्पीड है वो किस प्लेबैक स्पीड किस तरह चल रही है। अभी ये 1 मतलब 1 सेकंड में 1 सेकंड वीडियो का पास होगा। क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये स्लो, अगर मैं ओपन लेके जाना चाहूं तो मैं इसको मैक्सिमम 4 सेकंड तक ले जा सकता हूं, मतलब 1 सेकंड एक्चुअल जब 1 सेकंड पास होगा तो वीडियो के 4 सेकंड गुजर जाएंगे, और अगर मैं इसको स्लो करना चाहूं तो मैं मिनिमम इसको 0.25 जो क्वार्टर एक होता है वो सेकंड वहां तक लेके जा सकता हूं। तो आप ऑब्वियसली हर एक की स्पीड, इसकी जो शॉर्टकट की है जो इसको मैनेज, यहाँ पे आप 1 पे क्लिक करेंगे तो ये डिफॉल्ट सेट हो जाएगी, इसकी जो शॉर्टकट की है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, उसको अगर आप क्लोज जो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसको दबाएंगे तो 0.1 से स्पीड इंक्रीज होगी। आप उसको दबाते जाए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं की आपको शो हो जाएगी और स्पीड आप देख सकते हैं कि मैं हर जब की दबा रहा हूं तो 0.1 स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। ये काफी फाइन ट्यूनिंग है, काफी अच्छी तरह मैनेज हो सकता है। और अब आपने स्पीड कम करनी है तो स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि दोनों साइन एक ही की पे है, शिफ्ट दबाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट, अगर अदरवाइज स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मैं स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट दबाता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्पीड है वो 0.1 सेकंड से रिड्यूस हो रही है। तो इस तरह आप अभी आप यहां पे देखें कि अगर मैं इसको प्लेबैक करता हूं तो इस वीडियो को जो खत्म होने में टाइम लगेगा वो ऑलमोस्ट 26 सेकंड्स लगेंगे। मैं यहां पे इसको दबाता जाऊंगा और 2 पे ले जाऊंगा या 3 पे अगर ले जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अपने काफी कम टाइम में खत्म हो जाएगी, 3 गुना जल्दी खत्म हो जाएगी। ओके, और इसको रीसेट करने का एक तरीका मैंने बताया आपको कि आप यहां पे 1 पे क्लिक करें। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप इक्वल साइन क्लिक करें। मैं एक दफा इसको प्ले करता हूं और इक्वल साइन प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो उसकी स्पीड है वो रीसेट हो गई है। मैं एक दफा फिर दोबारा दिखता हूं क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट स्पीड इंक्रीज करने के लिए और इक्वल साइन या प्लस साइन उसकी स्पीड को जो है रीसेट करने के लिए डिफॉल्ट, और स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट स्पीड को 1 स्टेप डाउन करने के लिए 0.1 सेकंड से। तो इस तरह आप इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आप जिस स्पीड पे आप कंफर्टेबल हैं उस स्पीड पे आप वीडियो को देख सकें। ओके, मैं जो आपको नॉर्मली रिकमेंड करूंगा 1.5, बेसिकली डिपेंड इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है, किसी इंस्ट्रक्टर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो आपके स्टाइल से काफी सूट करता है, मीन उसकी स्पीड और आपकी लर्निंग स्पीड इक्वल होती है। किसी की जो टीचिंग स्पीड होती है क्योंकि वो थोड़ी स्लो होती है तो उसको आप जरा फास्ट कर लें 2 सेकेंड 0.2 सेकेंड या 0.4 सेकेंड अंटिल के वो आपके साथ जरा मैच कर जाए। कोई जरा इंस्ट्रक्टर थोड़े तेज बोल रहे होते हैं तो उनकी स्पीड को जरा रिड्यूस करके 0.1, 2 या 3 सेकंड रिड्यूस करके तो आप अपने इजीली अंडरस्टैंडेबल लेवल पे ला सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेलिस्ट मीडिया प्लेयर वीएलसी में क्या है। बेसिकली आपने कोई भी कोर्स या सीजन अगर स्टार्ट कर लिया है तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो कि इस पूरी जो फोल्डर है या कोर्स का एक फोल्डर है जिसमें 20-30 फाइलें हैं, ओके, उसके लिए आप मुझे अभी मेरे पास फाइल तो नहीं है तो मैं यहाँ पे डेमो अपनी फाइल बना दूंगा, C1 फॉर कोर्स 1, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा, इसमें आऊंगा और पेस्ट करता जाऊंगा। ओके, और दोनों को फिर पेस्ट करूंगा और फिर चारों को पेस्ट करूंगा। ओके, तो हमारे पास टोटल जो है वो 8 फाइलें आ गई हैं। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इन 8 फाइलों का, आपका एक कोर्स का फोल्डर है उसमें काफी ज्यादा फाइलें, आप देखना चाह रहे हैं कि टोटल ये इसका टाइम कितना है, कोर्स कंटेंट का क्या टाइम है। तो आप वीएलसी को ओपन करें, इस तरह आपके पास ओपन हो गया, इस आइकॉन पे क्लिक करें, इस पे आप होवर करते हैं तो ये देखें टूगल प्लेलिस्ट भी लिखा हुआ है। ओके, आप इस पे क्लिक करें तो ये प्लेलिस्ट का व्यू स्क्रीन आ गई है, उसको आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे वापस आए, जितनी फाइलों का आप मीन के टोटल टाइम देखना चाहते हैं या प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट चलती है सेम,
वर्किंग उसकी उसी तरह है कि आप फाइलें प्ले लिस्ट में ऐड कर लें, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सॉर्ट कर लें, वो उसी सीक्वेंस में चलेगी। मेन जो इसमें ये है कि आप पूरी प्ले लिस्ट का टाइम भी देख सकते हैं, जो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप अगर किसी चीज का टोटल टाइम कैलकुलेट करना चाहें कि ओके इन सारी वीडियोस का टोटल टाइम इतना है, तो वो एक चीज। बाकी जो वर्किंग फ्लो है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे यूट्यूब पे चलता है। मैं सारी फाइल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे लाके मैंने क्या किया, सबको कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट किया। जब जो सिलेक्टेड फाइल्स हैं उनमें से किसी एक फाइल के ऊपर सेंटर में लाके लेफ्ट जो क्लिक है उसको प्रेस करके रखा है, प्रेस एंड होल्ड। अब मैं ड्रैग कर रहा हूं तो ये सारी फाइल्स मैं मीन के सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकता हूं। मैंने अब आल्ट और टैब दबाया, आल्ट दबा के रखा और टैब दबाया, उससे विंडो चेंज हुई है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप लिंक का आइकन आ रहा है। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को छोड़ूंगा तो सारी फाइल्स यहाँ पे ऐड होगी। ये एक जरा फास्ट वे है, बजाय इसके कि आप मीन के कोई और वे देखें। एक तरीका का ये था प्लेलिस्ट में ऐड करने का। दूसरा तरीका का, आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और ऐड टू ये प्लेलिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी ये सेम काम करेगा। इसने प्ले भी कर दिया, लेकिन काम इसने सेम ही किया कि उन सबको प्लेलिस्ट में ऐड किया, एक नई विंडो इसने बनाई है और उसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। ओके, और प्लेलिस्ट का टोटल टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट के आगे। ओके, एक दफा मैं फिर करके दिखा देता हूँ, इसको वीएलसी को बंद कर लेते हैं। वीएलसी आप स्टार्ट कर लें, वीएलसी मीडिया प्लेयर को। ये तरीका कर मुझे जरा आसान लगता है। और जो जो सी फाइल आपने इसमें ऐड करनी है, आप उस सारी फाइल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए करके। यहाँ पे मैंने सारी को सिलेक्ट किया था, लेफ्ट क्लिक, प्रेस एंड होल्ड करें फाइल पे, किसी एक फाइल के सेंटर में रखे, ये ड्रैग होने लग पड़ेंगी। आल्ट और टैब को दबा के विंडो को चेंज करें, वीएलसी मीडिया प्लेयर पे आ जाएं। ये देखें, आल्ट और टैब दबाएंगे ना, और आल्ट को दबा के रखें, छोड़े ना, तो आपके सामने ये सारी विंडोज शो हो रही होंगी जो इस वक्त ओपन है। यहां से आप टैब दबाते जाएंगे तो ये आगे जाता जाएगा, वीएलसी के ऊपर आ जाएंगे, ये बॉक्स वीएलसी के ऊपर आ गया। तो अब आल्ट को छोड़ते हैं, वो विंडो सिलेक्ट हो जाएगी। और यहां पे आके अब आपने राइट जो लेफ्ट क्लिक है उसको छोड़ना है, तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स ड्रॉप हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट के आगे इसका टोटल टाइम जो है वो शो हो रहा है। ये बेसिकली अभी 3 मिनट और 58 सेकेंड ये इसका टोटल टाइम है। मैं बेसिकली इसको 2-3 दफा अगर और ऐड करूंगा तो इसका टाइम मैं और इसमें लेके जाने के लिए टाइम तो वैसे का, यहाँ पे मैं जरा इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ 2-3 दफा ताकि मेरे लिए जरा मैनेज करना आसान हो सके। ओके, अब मैं कंट्रोल ए करूंगा और अब पेस्ट करूंगा तो होपफुली और में चली जाएगी बात, नहीं अभी भी नहीं गई। ओके, 2-3 दफा और पेस्ट कर लेते हैं और अब चली जाएगी, क्योंकि अब हम 43 पे चले गए, अभी भी नहीं गई। कोई मसला नहीं, एक दफा और कर लेते हैं, थोड़ा सही रह गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड्स पहले, फिर मिनट्स और फिर और, जितना मीन के उसमें है कंटेंट उस हिसाब से वो चल रहा है। यहाँ पे मैं एक दफा इन सबको 2-3 दफा और कर दूंगा, इतना करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे अगर मैं सबको क्लोज करता हूँ और सिर्फ एक फाइल पकड़ के उसको यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो जो डिफॉल्ट शो हो रहा है वो मिनट और सेकंड। जब इनफ फाइल्स ऐड हो जाती है कि मिनट की एंट्री आ जाती है तो वो मिनट्स शो करता है, और जब इनफ फाइल्स आ जाएंगी तो वो बेसिकली जो और की है उसको भी शो करने लग पड़ेगा। जब इनफ फाइल आएंगी तो फिर डेज का भी जो है उसको भी शो करने लगेगा, और इसी तरह मेनली आवर्स तक ही जाएंगे, 11-12 आवर्स काफी होते हैं। ओके, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, इसको स्ट्राइक कर लेते हैं। लास्टली, कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपने मीन के स्क्रीनशॉट लेना है किसी एक पार्ट का, जैसे कि इस पार्ट का, तो उसका तरीकाकार आप व्यू पे आए और एडवांस कंट्रोल्स इनको ओपन कर लें। एडवांस कंट्रोल्स ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये नीचे ये एडवांस कंट्रोल्स आपके पास आएंगे। इनमें बाकी सेटिंग्स आप उनके साथ प्ले करके देख सकते हैं, एक रिकॉर्ड की सेटिंग है, एक 0.1 to 0.2 लूप की सेटिंग है, और लास्टली जो है वो फ्रेम बाय फ्रेम की, उनके साथ आप प्ले करके देख सकते हैं। मैं सिर्फ अभी आपको ये जो स्क्रीनशॉट है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके उसने वो ऊपर पाथ 1 सेकंड के लिए शो किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने एग्जैक्टली जो मेन उस वक्त वीडियो में चल रहा था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये जरा आसान सा तरीका है,
स्क्रीनशॉट लेने का, अदरवाइज ऑब्वियसली आप विंडोज का या मैकOS का जो डिफॉल्ट स्निपिंग टूल है वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी शॉर्ट वीडियो ऑन वीएलसी मीडिया प्लेयर के वीएलसी मीडिया प्लेयर को आप ऐड कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसको डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर सेट कैसे करना है। ओके, एक बात मैं जो ऐड कर दूं वीडियो को खत्म करने से पहले, कुछ जो वीडियो या ऑडियो फाइल्स इस तरह की होंगी कि जब हमने यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे सेट कर भी दिया ना डिफॉल्ट एप्स में म्यूजिक और वीडियो प्लेयर को एज अ वीएलसी मीडिया प्लेयर, यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वीडियो प्लेयर और म्यूजिक प्लेयर, काफी एप्स जो फाइल्स होंगी ना वो इस तरह की होंगी, वो फिर भी ना दूसरी किसी मीडिया प्लेयर में जा रही होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो भी मीडिया वीएलसी को ही यूज करके रन हो, तो आप उस फाइल पे क्लिक करें, ये एक दफा एक फाइल टाइप के लिए करना पड़ेगा, राइट क्लिक करें, यहाँ पे ओपन विद, इस पे आए और चूज अनदर ऐप, इस पे क्लिक करें, ये आपके पास आ गया। अगर ऑब्वियसली कोई और यहाँ पे सिलेक्ट होगा, आप वीएलसी मीडिया प्लेयर जहां पे भी शो हो रहा है मोर एप्स करके वीएलसी मीडिया प्लेयर को सर्च कर लें। ओके, अदर यहाँ पे शो ना हो रहा तो लुक ऑन पीसी पे करें और यहां से आप प्रोग्राम फाइल्स में से जो ये हमने ये रहा वीडियो में वीएलसी, बेसिकली सिर्फ उस वीएलसी को उस पे डबल क्लिक कर दें, ये डायरेक्टली ओपन हो गया। एक दफा इस तरह कर दें कि नेक्स्ट टाइम उस जो वाउ मेन्यू थी ना वहां पे शो हो जाएगा, लेकिन जो अभी ये डिफॉल्ट सेट नहीं हुआ स्पेसिफिक टाइप के लिए, वापस यही काम करेंगे, ये काम हमने जो अभी किया इससे उस टाइप इस लिस्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। अब इस लिस्ट में शो हो रहा है, आप वीएलसी मीडिया प्लेयर को क्लिक करेंगे और ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन दिस, अगर आप ऑब्वियसली अगर वीएलसी मीडिया प्लेयर को ही चूज करना चाहते हैं, अगर आप किसी और मीडिया प्लेयर को करना चाहते हैं यूज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, इस तरह करके ऑलवेज करके ओके कर देंगे तो जो वो वाली टाइप वो स्पेसिफिक जो फाइल टाइप है ना .mkv या .web.jpg वो जो होगी वीएलसी मीडिया प्लेयर पे सेट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप उस पे सिर्फ डबल क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली वीएलसी मीडिया प्लेयर में स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये हम देख लेते हैं, हमारे जो पॉइंट्स थे वो सारे कवर हो गए हैं। अगर आपका वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की और वीडियो इंशाल्लाह आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका अलर्ट मिल सके और आप उससे फायदा उठा सके। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.